नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए तो सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएंगे। बहुत जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, क्या इनकी जल्दीपन ही इनकी कमजोरी है? क्या यही इनकी कमजोर कड़ी है जिसका लाभ इनके शत्रु या इनके ना चाहने वाले उठाकर इनको बदनाम कर देते हैं या इनसे कोई अपना बदला निकाल लेते हैं या इन्हें धोखा दे देते हैं? तो सभी प्रकार की हम जो आपकी कमियां हैं और जो कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो अच्छाइयां बनकर सामने आ जाती, तो उन सबकी एक चर्चा यहां पर करने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए सभी राशियों में सबसे ईमानदार राशि है कुंभ राशि, मानवता से भरी हुई राशि है कुंभ राशि, इसमें कोई शक नहीं है। शनि इस राशि के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा समझना कठिन है, यानी कुंभ राशि वालों को समझना थोड़ा कठिन होता है। कुंभ राशि की महिलाएं स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करती हैं, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। किसी भी रोक टोक में उनका दम घुटता है, स्वतंत्र विचार स्वतंत्र जीवन रोक टोक पसंद नहीं है। रोक टोक से उनका दिल दुखता है, उनकी आजादी छिनती है। वक्त बुरा हो या अच्छा हो, अकेले ही मुसीबतों का सामना कर लेती हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अकेले ही खुशियों की राह पर चल पड़ती हैं, अकेले ही गमों को समाप्त करके विजय प्राप्त करती हैं। किसी के भरोसे रहना, किसी के सहारे रहना, किसी की बातों में आ जाना कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा या कर दूंगी, ये सब उन्हें पसंद नहीं है। किसी के भरोसे रहकर, किसी के सहारे रहकर काम करना पसंद नहीं है। काम वही जो खुद से हो जाए, खुद पर विश्वास, ये इनकी सबसे बड़ी मजबूती होती है। जो करना है वो करना है, इसका फैसला जल्द लेती हैं, घंटों महीनों सालों फैसले लेने में नहीं लगाती हैं। लेट लतीफ़ी पसंद नहीं है, जो करना है वो करना है, जो फैसला ले लिया वो ले लिया। कुंभ राशि की महिलाएं को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं या उनकी कमजोर कड़ी में आपको एक बता रहा हूं, तो उनकी जो कोहनी होती है, कोहनी पर अगर आप हल्का सा स्पर्श कर दें या उनके कंधे पर प्यार भरा हाथ, एक विश्वास भरा हाथ रख दें, तो शीघ्र वो उत्तेजित हो जाती हैं या कहें शीघ्र वो पिघल जाती हैं। तो इनकी ये कमजोर कड़ी है, यानी कि कोहनी पर स्पर्श और कंधे पर प्यार भरा स्पर्श करके आप इनका एक रोमांटिक मूड देख सकते हैं। तो ये इनकी कमजोर कड़ी है, लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाइएगा। कुंभ राशि की लड़कियां या महिलाएं हल्के रंग का परफ्यूम पसंद करती हैं, इनको बहुत तड़क भड़क वाला जो परफ्यूम होता है या सुगंध होती है पसंद नहीं, एक लाइट अच्छा सा परफ्यूम की खुशबू इन्हें बहुत पसंद होती है, इसकी तरफ भी ये अट्रैक्ट होती है। विवाहित कुंभ राशि की महिलाएं अपने पति के साथ रात्रि में एकदम फ्रेश होकर, एकदम बढ़िया से शानदार अच्छे कपड़े पहनकर, हल्का परफ्यूम लगाकर, एकदम स्नान करके रोमांस करना पसंद करती हैं, यानी कि ताजगी चाहिए इन्हें, जीवन में नयापन चाहिए, कुछ भी गंदा बासीपन इनको पसंद नहीं आता है। कुंभ राशि की महिला का प्यार पाना है तो इनकी बात को सुने, इनको समझें। जब आप इनके साथ हों तो इनके साथ रहिए, इनको अकेलापन महसूस ना होने दें। आप साथ रहकर भी अगर साथ नहीं हैं तो ये आपके साथ बहुत लंबा रिश्ता शायद ना निभा पाए। कुंभ राशि की महिलाओं को अगर आप चाहते हैं या आप उनके संपर्क में हैं, आप पुरुष हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि
इनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें, वैसे तो ये सभी के लिए होता है लेकिन इनके लिए कुछ ज़्यादा ही होता है। कुंभ राशि की महिला जो है अगर किसी को प्यार करती हैं या किसी को पसंद करती हैं तो ये इशारे देती हैं। इनके जो इशारे हैं या इनके जो ऐसे संकेत हैं वो सामने वाला समझ जाता है कि अब ग्रीन झंडी इन्हें मिल रही है, अब करीब जाया जा सकता है। लेकिन जब तक इनका इशारा या इनकी ग्रीन झंडी ना हो तब तक अगर कोई पुरुष अपनी मर्यादा को क्रॉस करता है तो करारा जवाब भी मिलता है। तो जब तक ये तय ना कर लें कि इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी में आना है तब तक आप अपनी मर्जी से इनकी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपने मर्यादा तोड़ी तो करारा जवाब आपको मिल जाएगा। तो कुंभ राशि की महिलाएं बेहद खुशनुमा माहौल की होती हैं, स्वतंत्रता प्रिय होती हैं, जिंदा दिल होती हैं। इनको सामाजिक कार्य, समाज की सेवा, लोगों की सेवा करना बहुत पसंद होता है। ये बिना रोक टोक के अपनी सामाजिक जिंदगी से एनजीओ वाले जो काम होते हैं, समाज सेवा वाले जो काम होते हैं, इनको करना पसंद करती हैं। कुंभ राशि की महिलाएं वर्कआउट करना, जैसे जिम वगैरह जो होता है या योग वगैरह जो होता है, ये सब करना मतलब बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं होता। इन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाती हैं और कभी कभी इसी वजह से इनका शरीर थोड़ा सा बेडोल हो जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा शुरुआत में, कहा था कई बार थोड़ा सा मोटापा या थोड़ा सा भरा शरीर भी इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो इसीलिए लोग इनके पीछे भागते हैं या कायल हो जाते हैं इनके इनकी खूबसूरती के। यानी कि अगर कोई चीज बुरी भी है वो भी अगर इनके साथ जुड़ जाती है तो उसमें भी खूबसूरती आ जाती है। हाँ, सेहत के लिए मोटापा बुरा है, हेल्थ के लिए बुरा है, उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए कि अपने को मेंटेन रखें। आपको नए कपड़े पहनना, नए डिज़ाइन के कपड़े पहनना, डिज़ाइनर से जो प्रेरित कपड़े होते हैं अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगी महंगी चीज़ें, महंगी ड्रेस पहनना, ये सब चीज़ें इनके शौक हैं। साधारण चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन कई बार आप इन्हें देखेंगे, इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एकदम बन ठन के टिंच होके आपके नज़र आएंगे कि एकदम ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, सब कुछ मेंटेन है। और कई बार आप इनको देखेंगे इनका मूड नहीं है तो ये घर के जो साधारण कपड़े हैं उनमें ही घूमते फिरते आपको नज़र आ जाएंगे। तो इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कब ये बहुत शानदार और महंगे और कपड़े आभूषण पहने और कब ये एक साधारण से जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको पहनकर ही आपके साथ अच्छी बातचीत करें। लेकिन महंगे हों या सस्ते हों या साधारण हों या घर के कपड़े हों या बाहर के कपड़े हों, कुंभ राशि की महिलाएं हर तरीके से सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बच के नहीं जा सकता है सामने वाला जब कुंभ राशि की महिला किसी के सामने बैठी हो। उनकी हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने वाले को उनकी तरफ लेकर जाता है। लेकिन व्यक्ति तभी उनके करीब जा सकता है जब वो परमिशन दे। तो अक्सर कुंभ राशि वाली महिलाओं से पुरुष, जो मनचले पुरुष होते हैं, वो पिटते हुए दिखाई पड़ते हैं या गालियां खाते हुए दिखाई पड़ते हैं या उनकी जिस भी तरीके से वो खातिरदारी करती हैं वो करती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। खूबसूरती ईश्वर ने उनको दी है, अदाएँ ईश्वर ने उनको दी हैं, उसका वो बखूबी प्रयोग करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए और बैठकर बातचीत करने लगे, ये सब इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता जब तक ये किसी को इजाज़त ना दें तब तक। कुंभ राशि की महिलाएं फ्लर्ट करने में बहुत तेज होती हैं, शादी के बंधन में आसानी से नहीं बंधती हैं। प्यार से शादी तक का जो सफ़र है वो तय करने में कई बार बरसों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। जब ये किसी से प्यार करती हैं तब उम्र, धर्म, जाति को नहीं देखती हैं। अगर आप इनके दोस्त हैं और आप परेशान हैं तो ये आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगी, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। रात पे 3 बजे भी आप इन्हें फ़ोन कर दें, इनके घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए होंगे। पैसा हो
या सहायता हो, ये हमेशा अपने मित्रों के लिए करती हैं और तैयार रहती हैं। इसमें पुरुष भी आगे रहते हैं, जो कुंभ राशि के पुरुष हैं वो भी मित्रों के लिए बहुत दिल खोल कर सहायता करते हैं और मित्र कई बार इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। इनकी निजी जिंदगी में इनको दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। बेवजह की सलाह इनको पसंद नहीं है, जब ये सलाह मांगे तब दीजिएगा, अपनी मर्जी से सलाह देंगे तो फिर इन्हें गुस्सा आ जाता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा जब आप किसी कुंभ राशि की महिला के साथ में हैं। तो प्रेम में कस्में खाना भी इन्हें आता है, महीनों सालों अपने पीछे चक्कर लगवाना भी इन्हें आता है, और एकदम से सॉरी बोलकर रिश्ता खत्म करना भी इन्हें आता है। तो आप जब तक शादी के सात फेरों में बंद ना जाए तब तक ये मत सोचिएगा कि आपका प्यार शादी तक का सफर तय करेगा। तो ये मूड पर डिपेंड करता है कि कब क्या होगा, समझ पाना मुश्किल है, ये मैंने पहले भी आपको कहा था। आपका रिश्ता इनके साथ कितना होगा, कितना लंबा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब इनको दिल का साथी या जैसा ये साथी पसंद करती हूँ मिल जाए और ये शादी कर लें तो फिर ये दिल से प्रेम करती हैं और रिश्ता खुशहाल बनाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। शर्त ये है कि इनकी बातों को इग्नोर ना किया जाए और इनकी आज़ादी को ना छीना जाए, तो फिर ये दिल खोल कर रिश्ता निभाती हैं, शादी के बाद हो या प्रेम संबंध हो। इनमें खास अट्रैक्शन होता है, हर पुरुष इनके पास जाना चाहता है। कई बार शादी हो जाने के बाद या अगर ये प्रेम संबंध में हैं तो इनके पति या बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा जलन होती है कि किसी पार्टी या किसी उत्सव में गए तो सारे लोग इनको घूर घूर कर देखते रहते हैं, इनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। सोशल गैदरिंग में भी लोग करीब आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसा जादू होता है कि लोग बिना हाय हेलो किए बिना बात के लिए रह नहीं पाते। तो कई बार इनके बॉयफ्रेंड या इनके पति को इस बात से भी जलन हो जाती है, तो ये एक अलग बात है। ये प्रेम करती हैं तो दिल से प्रेम करती हैं, तो प्रेम तो पति से है लेकिन फिर भी इनकी सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी होती है। ये शादी के बाद अक्सर अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करती हैं। हाँ, जब ये अपने पति के साथ जब इनके शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं, देखिए शादी है तो शादी के बाद शारीरिक संबंध बनना भी एक जायज चीज है, अच्छी चीज है। तो जब ये पति के साथ अपने शारीरिक संबंधों में होती है तो इनकी जो जो इनकी उम्मीद होती है, जो प्यार की एक प्यार पाने की जो इनकी लालसा होती है या प्यार कि जो एक कई बार एक होता ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट तय नहीं हो पाती, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। इसको कई बार पुरुष समझ नहीं पाते क्योंकि इनके अंदर खूब रोमांस है, प्यार है, बहुत तेजी है। प्यार में जब ये आपके व्यक्तिगत पलों में आप होते हैं अपनी पत्नी के साथ या आप अपने पति के साथ, तो वहां पर शारीरिक संबंधों में मर्यादाएं नहीं होती है, वहां पर इनकी लिमिट अक्सर क्रॉस हो जाती है। तो यहां पर कई बार पतियों को ये चीज समझने की आवश्यकता होती है। इस बात को भी अगर कोई पुरुष देख रहे हैं और वो शादीशुदा जीवन निभा रहे हैं तो इससे भी कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो ये चीज आप समझिएगा। प्यार में जो आनंद है, जो मजा है, उसका ये एक एक बूंद, एक एक रस जी लेना चाहती हैं, पा लेना चाहती हैं, ये इनकी इच्छा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके की पत्नी अगर कुंभ राशि की महिला है तो उन्हें खुश रखिए, उनकी खुशी में ही आपको जीवन का सारा सुख मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाएगा, पैसा प्यार दोनों ही चीजों को ये पसंद करती हैं। तो इन्हें पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, अपनापन भी चाहिए। तो इस तरीके से होती हैं कुंभ राशि की महिलाएं। तो समझना बड़ा मुश्किल है, वैसे तो किसी भी महिला को
समझना बड़ा मुश्किल है आज की दुनिया में, और किसी के दिल के राज जानना तो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी ज्योतिष हमें हेल्प करता है लोगों को जानने में, पहचानने में। तो अगर आप महिला हैं तो खुद को जानिए इस वीडियो को देखकर, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी हो सकती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप कुंभ राशि की महिलाओं को समझ जाएं, उनका व्यवहार समझ जाएं, उनको क्या चाहिए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो सके, आपकी दोस्ती अच्छी हो सके और आपको सुख और समृद्धि मिले। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप ज्योतिष के माध्यम से हम किसी राशि के महिला या पुरुष को कितना जान सकते हैं। किसी व्यक्तिगत तौर पे हम किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कई बार कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि हम ऐसे नहीं हैं जैसा आपने बताया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार आपके ऊपर आपकी राशि का कितना प्रभाव है ये आपकी जन्म कुंडली तय करती है। कई बार आप अपनी नाम राशि से कुंभ राशि को देखते हैं, लेकिन हम जो ये वीडियो बनाते हैं ये अक्सर चंद्र राशि पर आधारित होती हैं या लग्न राशि पर आधारित होती हैं, तो कई बार वो पूर्ण रूप से मैच नहीं कर पाता है। तो आपको अपनी सही तरीके से चंद्र राशि या लग्न राशि अगर कुंभ है तो ये काफ़ी हद तक मैच करेगा, और नाम राशि से भी मैच करता है, लेकिन थोड़ा कभी 19-20 हो जाता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अपने बारे में जानकर कैसा लगा, आप किसी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं तो उनके बारे में जान के कैसा लगा, इसमें सच्चाई कितनी है, तो ये सब बातें अगर आप हमसे शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आपका सहयोग हर क्षण हमें चाहिए होता है। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ गलत लगती है, आप उसको भी लिखें लेकिन सुंदर शब्दों में, ताकि किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिसको पढ़कर मुझे भी अच्छा ना लगे और जो अन्य लोग पढ़ें उनको भी अच्छा ना लगे। तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो कैसी लगी इस विषय में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। हरिओम, नमस्कार।